This story is brought to you by tapeatale.com. January 1st, 2022. कैंपिंग साइट पे बैठकर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि इस साल हमें क्या क्या चाहिए। उसने कुछ अपनी विशेष बताई और फिर मैंने अपनी शुरू की। करियर में ग्रोथ चाहिए, कितनी चाहिए ये बोलकर मैं इसे एक बॉक्स में बंद नहीं करूँगी, बस जितनी मुझसे हो सके ना उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। लोगों को परखना सीखना है ताकि मेरा पोपट होना थोड़ा कम हो सके, और उससे भी ऊपर इस साल ना कोई चाहिए यार, कोई चाहिए जिसके साथ घर वाला फील हो। आई नो फॉर एवर इज़ नो मोर अ कॉन्सेप्ट, मगर मुझे मेरा फॉर एवर चाहिए। या इट्स नॉट सो ऐसी रैंडम विशेज बोलकर ना उस दिन लगा कि यार काश यूनिवर्स सुन ले, क्योंकि देखो हमारे हाथ में तो मांगना ही है, पूरा होगा नहीं होगा ये यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही विशेज बोलकर हम दोनों तारों को देखते देखते सो गए। साल शुरू हुआ और उस ट्रिप से वापस आते ही मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ हुआ, कोविड। और मुझे लग रहा था कि भाई यूनिवर्स ने लिस्ट गलत सुन ली क्या। खैर इट वॉज अ माइल्ड वन, सो वी रिकवर्ड इन अ वीक। लेकिन साल की शुरुआत में ही ना सब एक एक करके बिखरने लगा। कई प्लेटफॉर्म्स पे, कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मैं सिलेक्ट हुई, मगर लास्ट मोमेंट में मुझे रिप्लेस कर दिया गया। कुछ दोस्त अब बीते साल का एक किस्सा बन के रह गए थे। काम की टेंशन बहुत ज़्यादा थी मगर काम बहुत कम। उसके भी ऊपर मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे 5 दिन का नोटिस देकर घर से निकाल दिया था इस बड़े शहर बॉम्बे में। और प्यार मोहब्बत की बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे हर इंसान सिर्फ भागना चाहता है एक शख्स से दूसरे शख्स की, और कोई रुकना नहीं चाहता। ऑल इन वन सब क्योस था। लेकिन कहते हैं ना, सब बिखरता शायद सब निखरने से पहले ही है। सो इंस्टाग्राम, अ सोशल मीडिया ऐप जिसपे कंटेंट बनाना मैंने एज साइड हॉबी शुरू किया था, मगर पता ही नहीं चला कि कब वो फुल टाइम जॉब बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उस ऐप से पैसे कमा पाऊंगी, मगर सोचा तो बहुत कुछ नहीं था। थोड़ा पीछे चलते हैं। May 2021, आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू माई इंस्टाग्राम फीड व्हेन आई सॉ अ रील। इन दैट अ क्यूट गाय वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई लाइक द सॉन्ग, जस्ट द सॉन्ग, सो आई सेव द रील। फिर मैं भूल गई, वी मूव्ड ऑन। अगला साल इन May 2022, आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू माई सेव्ड पोस्ट, क्योंकि मुझे कोई एक अच्छा कैप्शन चाहिए था अपनी पिक्चर के लिए, और मुझे वो रील दोबारा दिखी। एंड दिस टाइम इट फेल्ट डिफरेंट। दिस टाइम इट फेल्ट एज इफ आई वॉन्ट टू सी हिज फुल प्रोफाइल, सो आई डिड। एंड इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, बोगनविलिया लवर, फ्लोरल शर्ट्स, क्यूट डिम्पल्स, आई मीन कम ऑन, हु कैन इग्नोर ऑल ऑफ दैट। सो आई डिडंट, आई फॉलोड हिम एंड आई टेक्स्टेड माई बेस्ट फ्रेंड, सी माई प्यार ऑफ दिस वीक। शी ऑल्सो शोड सपोर्ट कि अरे वॉट अ क्यूटी यार, आई होप ही फॉलोज बैक। सो उस दिन शायद पहली बार यूनिवर्स ने मेरी और मेरी दोस्त की एक अटपटी सी विश मान ली थी। दैट गाय फॉलोड मी बैक एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही रिप्लाइड टू वन ऑफ माई स्टोरीज। और ये था मेरा वो रैंडमली कैफे में टकरा जाने वाला मोमेंट जिसका इंतजार मैं कब से कर रही थी। हमारी बातें स्टार्ट हुई एंड वी रियलाइज दैट वी आर सो सिमिलर। चाहे बॉर्डर लाइन पीपल प्लीजर होने की बात हो, इमोशनल फूल होने की बात हो, या फिर ओवर थिंकिंग की, या फिर बेसिक कोर वैल्यूज की, हम बहुत सिमिलर हैं। लगभग 1 महीना बात करने के बाद वी डिसाइडेड कि मिलते हैं। और जब वो मिलने वाला दिन आया ना, उस दिन सुबह से ही मेरे अंदर गुदगुदी हो जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने अपना शर्माना कैसे रोकूंगी। वेल, हम मिले और हम दोनों ने अपना अपना शर्माना नहीं रोका। हमने जी भर के ब्लश किया, जी भर के बातें की और प्लान की हमारी नेक्स्ट डेट। फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट से नेक्स्ट डेट और नेक्स्ट से नेक्स्ट डेट। पता ही नहीं चला कि कब हम रोज मिलने लगे। और इन सब में ना एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही थी, हम बहुत अच्छे दोस्त बन पा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे पे हंस भी पाते थे, मगर कोई दूसरा गिरे तो उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने का हौसला भी रखते थे। अनटिल वन डे जब मेरी पास्ट मेमोरीज ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया और मुझे रियलाइज करवाया दैट हाउ कैन समथिंग सो गुड हैपन टू मी। या तो मुझे इस बार भी धोखा मिलने वाला है, या इस बार मैं ही उसे छोड़ दूंगी। हाँ गाइस, ऐसा डर आता है। सो उस टाइम ना ये सिचुएशन थी कि फीलिंग्स दोनों तरफ आ गई थी, मगर आई लव यू जैसा किसी ने कुछ नहीं कहा था, तो पीछे हटना थोड़ा आसान था। सो अपने दरवाजे पे आए मेहमान की बात मानकर मैंने कदम पीछे हटाना शुरू किया।
बुरा भी लग रहा था कि यार सिर्फ इस डर की वजह से एक बहुत अच्छा दोस्त या शायद एक पोटेंशियल पार्टनर गवा दूंगी, मगर वो डर बहुत रियल होता है यार। और जब तुम खुद को अपने लोएस्ट पे, अपने वीकेस्ट पे देख चुके होते हो किसी और की वजह से, तो तुम दोबारा कभी वहाँ नहीं जाना चाहते। मेरे साथ भी बस यही हो रहा था और मैंने कदम पीछे हटाना शुरू किया, अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना कम किया। मगर एक दिन मेरी चोरी पकड़ी गई। हम दोनों सनसेट देख रहे थे बीच पे बैठ के, तभी आस्क मी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। देखो इतना तो जानता हूँ तुम्हें कि बता सकूँ कि ये तुम नहीं हो, तो बोलो। थोड़ी देर में बातों को घुमाती रही, मगर जब वो नहीं माना तो आई टोल्ड हिम कि देखो मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कुछ वक्त बाद मुझे पता चलेगा कि ये सब झूठ था और उस दिन बहुत दुख होगा, तो उस दुख से बचने के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्टेंस माई सेल्फ। उसने मेरी बात सुनी और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शौक लग गया। खैर थोड़ी देर बाद जब सूरज ढला तब उसने कहा कि सूरज ढलता है पता है क्यों? ताकि अगली सुबह वो फिर उग सके। कहानियां बिगड़ के खत्म होती हैं पता है क्यों? ताकि कोई नई कहानी फिर शुरू हो सके। हाँ गाइज, कसम से वो पोएट नहीं है, मगर उस वक्त ताली बजाने का मन मेरा भी किया था। इस बात को ना मैं डाइजेस्ट कर ही रही थी कि इतने में मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं नहीं ये भी छोड़ के चला जाएगा। तो आई टोल्ड हिम, व्हाट इफ तुम भी छोड़ के चले गए? टू विच ही सेड, मुझे मकान नहीं बदलने गुंजन, मुझे घर बनाना है और तुम में वो घर दिखता है मुझे। इससे पहले किसी ने मुझे घर नहीं बुलाया था, इससे पहले किसी में मुझे घर नहीं दिखा था, और उस पल उस लम्हे में ना मुझे बीते कल का कोई मलाल दिखा, ना आने वाले कल का कोई सवाल, सिर्फ मेरा आज दिखा, मेरा आज जो खूबसूरत था, जिसमें वो था, मैं थी, हमारी बनाई दुनिया थी। और ऐसे हम दोनों को अपना अपना घर मिल गया। आज भी ना कई बार वो डर आकर जकड़ लेता है, मगर उसकी आंखें देखकर यकीन होता है कि नहीं यार, कुछ लोग ना जिंदगी में रुकने ही आते हैं। फॉरएवर का कॉन्सेप्ट खोखला भले ही हो गया हो, मगर कुछ लोग फॉरएवर बनने ही आते हैं। और ये भी कि कई बार ऐसी रैंडम विशेस मांग लेना अच्छा होता है, क्या पता यूनिवर्स कब सुन ले, क्योंकि क्या पता किस्मत कब तुम्हारे लिए कौन सी दिशा की हवा चुन ले, क्या पता यूनिवर्स कब कौन सी दुआ सुन ले। आज भी कभी कभी वो डरा के सताता है, मगर बैलेंस आउट हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यार वही है कि कुछ चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना बहुत ज़रूरी है कि तुम कितने प्यारे हो, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि तुम सिर्फ प्यार ही डिजर्व करते हो, और याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सूरज ढलता है ताकि अगली सुबह वो फिर उग सके, कहानियाँ बिगड़ के ख़त्म होती हैं ताकि कोई नई कहानी फिर शुरू हो सके। मेरी तो हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी।